नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कब हम बी का प्रयोग डू के साथ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कब हम बी का यूज डू के साथ करते हैं, कब हम बी का यूज डू के साथ नहीं करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम जो बी और ये जो वर्ब होती है बी, इसका यूज हम डू के साथ कतई नहीं करते हैं। अर्थात बी इज यूज विदाउट द ऑक्सिलरी डू। अर्थात जो बी वर्ब है इसका यूज हम बिना ऑक्सिलरी वर्ब डू के करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम नॉट ऑफन सिक। अर्थात जब हम बी, ये जो बी फॉर्म है इसकी, जो ये जो बी वर्ब है या इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले बताया था आपको, इसकी फॉर्म क्या होती है, इज एम आर और वाज और वर। ठीक है, जब हम इनका यूज करते हैं तो इनका यूज हम जो है कभी भी, चाहे हम इनका यूज, जब मान लीजिए हम इनका यूज लिंकिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं या हम इस वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, तो हम उस सेंटेंस में डू हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। बाकी और कोई अगर वर्ब हो तो उसका हम नेगेटिव बनाते हैं, तो हम ज़्यादातर हम जो है डू वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ही लाइक्स टी, ठीक है, ही लाइक्स टी। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मुझे डू की फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, ही डज नॉट लाइक टी। ठीक है, कोई वर्ब ले लीजिए आप, तो उसका अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो डू हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बी एक ऐसी वर्ब है जो अपना नेगेटिव बनाने के लिए डू वर्ब का सहारा, डू एक्चुअली वर्ब का सहारा नहीं लेती है। डू एक्चुअली वर्ब का मेरा मतलब है डू की फॉर्म्स लगा लीजिए, डिड डू लगा लीजिए, डज लगा लीजिए, डिड लगा लीजिए, इनका ये प्रयोग नहीं करती है, इनकी मदद नहीं लेती है। जैसे हमारा सेंटेंस देखिए आप, आई एम नॉट ऑफन सिक। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अपनी ही फॉर्म को यूज किया एम और फिर नॉट लगा दिया, आई एम नॉट ऑफन सिक। हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते आई डू नॉट ऑफन बी सिक। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, जो मेन वर्ब थी हमारी, मेन वर्ब को हमने लिख दिया यू का यू नेगेटिव में और फिर डज नॉट यूज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं बी वर्ब के साथ। ये नेगेटिव बनाती है तो अपनी ही फॉर्म का यूज़ करती है। बट डू इज यूज टू मेक नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विद बी। लेकिन जो डू ऑक्सिलरी वर्ब, जो डू अगर मतलब डू ऑक्सिलरी वर्ब है तो वहाँ पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम बी को मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसा, नेगेटिव, जब हम किसी से कोई चीज़ नहीं करने के लिए कहते हैं, जैसे डोंट बी सिली, डोंट बी सच ए न्यूसेंस, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बी वर्ब है, यहाँ पे बी वर्ब है, यहाँ पे बी वर्ब है, और यहाँ पे क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं यहाँ पे, तो सभी में डोंट का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं वो भी नेगेटिव, तो हम बी को डू के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डू बी। डू बी कैन बिगिन एम्पैटिक इम्पेरेटिव्स। अगर हम एम्पैटिक इम्पेरेटिव्स का अगर लिख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, मतलब एम्फैटिक इम्पेरेटिव हम यूज़ कर रहे हैं अगर, तो डू बी यहाँ से वो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो यूज, मतलब वो स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे डोंट बी केयरफुल, सॉरी डू बी केयरफुल, डू बी क्वाइट। ठीक है, तो इस तरह के ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो बहुत ही एम्फेसाइज किए गए हैं, किसके द्वारा, डू बी के द्वारा। तो डू बी के द्वारा हम किसी भी सेंटेंस को जो इम्पेरेटिव होता है और उसको एम्फेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एम्फेटिक इम्पेरेटिव बनाने के लिए हम उस सेंटेंस को डू बी से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इन एन इनफॉर्मल स्टाइल पीपल समटाइम्स यूज डू विद बी इन वन और टू अदर स्ट्रक्चर्स विच हैव ए सिमिलर मीनिंग टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब एक अलग तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसमें वो बी और डू दोनों का यूज़ कर लेते हैं, और उन सेंटेंसेस का मतलब कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ये सेंटेंस है, वाई डोंट यू बी ए गुड बॉय एंड सिट डाउन।
तुम एक अच्छे लड़के क्यों नहीं बनते और बैठ क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है और बार बार में परेशान कर रहा है, ठीक है, उछल कूद रहा है, आप उसे कहते हैं भाई तुम एक अच्छे लड़के बनकर बैठ क्यों नहीं जाते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बी ए गुड बॉय एंड सिट डाउन। इसके बाद ये सेंटेंस देखिए, इफ़ यू डोंट बी क्वाइट यू विल गो स्ट्रेट टू बेड, अगर तुम शांत नहीं बैठोगे तुम सीधे बिस्तर पर जाओगे, अर्थात मैं तुम्हें सुला दूंगा, बिस्तर पर ले जाकर तुम्हें सुला दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी क्वाइट और यू विल गो स्ट्रेट टू बेड। तो यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे भी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस की जगह देखिए ये स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। तो ऐसा भी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इनकी जगह ही स्ट्रक्चर के द्वारा भी यही जो चीज़ है वो कही जा सकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी वर्ब है, यहाँ पे डोंट यूज़ किया गया है, यहाँ पे डोंट है, यहाँ पे बी है, मतलब डू के साथ बी यूज़ किया गया है, यहाँ पे डू के साथ बी यूज़ किया गया है। तो डू और बी को आपस में हम इस तरह के स्ट्रक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इनका मतलब एक तरह से इम्पेरेटिव ही होता है इसका मीनिंग। तो कैसा लगे वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।